26 जनवरी 2001 गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया। 7.7 रिक्टर स्केल पर आए इस भूकंप ने भुज और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बोचासण स्थित परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस तबाही की समीक्षा करने हेतु गुजरात के विभिन्न स्थानों से संपर्क करना शुरू किया। भुज से संपर्क करना मुश्किल था, लेकिन व्याकुल स्वामी श्री ने आखिरकार उसका भी उपाय ढूंढ ही लिया। इतना ही नहीं, राहत सेवा के पहले चरण में ही उन्होंने गर्म भोजन का प्रबंध करवाकर कई पीड़ित लोगों की भूख मिटाई। अगले दिन सुबह ही स्वामी श्री ने राहत कार्य को लेकर सुनियोजित ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए, जिसके तहत दूसरे चरण में उन्होंने संस्था के समर्पित संतों को भुज भेजकर तुरंत ही सेवा कार्य में लगा दिए। तीसरे चरण में स्वामी श्री ने संतों के साथ राहत सामग्री भी भुज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की करुणा ने कुदरत के कहर से जूझ रहे लाखों लोगों को नया जीवन दिया। इस राहत सेवा में स्वामी श्री ने राहत रसोई शुरू करने से लेकर संतों और सामग्री को भोज भेजने तक, पंडितों के लिए प्रार्थना से लेकर मृतकों की सदगति के लिए यज्ञ और प्रभावितों के लिए टिन टेंट सिटी जैसे अस्थाई आवास तक सभी प्रबंधन पूरी बारीकी से करवाए। आइए हम भी इस ऐतिहासिक सत्य घटना के साक्षी बने। प्रमुख स्वामी महाराज। भुज के लोगों के लिए आज का दिन सुनहरा रहा। वैसे तो भूकंप के बाद से ही स्वामी श्री का मन भुज की गलियों और चौराहों में घूम रहा था, लेकिन आज तो वे स्वयं ही आग्रह पूर्वक भुज पहुंच गए थे। आगमन के पहले ही दिन समाज के श्रेष्ठ लोगों ने स्वामी श्री की सेवाओं की सराहना की। मानव समाज के उत्थान के लिए अगर कोई इतनी बड़ी आयु में भी इतना काम कर सकता है, तो हम जैसे युवा व्यक्तियों को भी प्रमुख स्वामी जी जैसे संत महात्मा को देखकर शर्म आनी चाहिए। अगर स्वामी जी इस उम्र में इतना कार्य कर रहे हैं, तो हम कैसे बैठ सकते हैं। रात दिन देखे बिना इन संतों ने कार्य किया है और घर घर जाकर ग्रामीणों का हाल जाना। इस दिव्य कार्य में हमारे भचाऊ तहसील में 25 किलोमीटर क्षेत्र में इन संतों ने खेतों में घूमकर हमारे दर्द को समझा है। 26/1/2001 के दिन 9:45 जो भूकंप आया, उसके बाद ठीक 12 बजे सीधी खिचड़ी का प्रसाद। हम नहीं जानते थे स्वामी कि इस आपदा में हमारा गांव इस तरह फंस जाएगा। जिन संतों को हम जानते नहीं, हमारे लोग काम नहीं कर सकते थे। जिन संतों को हम जानते नहीं, जिनके साथ तनिक भी संबंध नहीं था, परिचय नहीं है, जिन्हें जीवन में कभी मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, संतों ने हमारे दुख के आंसू पोछे, हमारी भूख मिटाई, हमारे साथियों का दुख मिटाया, उनका सहारा बने,
ये बात हम सभी लोग कभी भूलेंगे नहीं। अपने मानव धर्म निभाया है, हमने सब मंदिर देखे। हम मानते हैं कि आरती करना, प्रसाद खाना और रामधुन का जाप करना मंदिर का काम है, लेकिन आपने हमें ज्ञान दिया कि मंदिर का असली काम मनुष्य को मनुष्य बनाना है। और आपने जो हमारे आंसू पोछे हैं, जो दिलासा हमें दिया है, जो दिलेरी हमें सिखाई है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि प्रमुख स्वामी जी का मंदिर नहीं होता, इस प्रमुख स्वामी जी का भोजनालय नहीं होता, ये छतें नहीं होती, तो हमारी देखभाल कौन करने वाला था। हमारे लोगों को उत्साह दिया और उन्हें स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया है। उस दर्द में आपने हमारा साथ दिया, इसलिए हम लोग आपका ऋण कभी नहीं भूलेंगे। संस्था तो एक पोतानी फरज बताई थी कि आवा समय दरेक मनुष्य ने कई मदद करवी जोईए। अपनी भारतीय संस्कृति है जे विवेक सागर स्वामी बात करी અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ એ પ્રમાણે લોકોને રાતે જઈને, દિવસે જઈને, સવારે જઈને, વહેલા જઈને, મોડા જઈને, ગમે ત્યારે ગમે મુશ્કેલી આવી હોય તો પણ એનો હાથ ઝાલ્યો છે અને ટેકો આપ્યો છે અને ઊંફ આપી છે અને એનું સેવા કરી છે અને એના આશીર્વાદ આપ્યા છે, એટલે એ જ પરંપરાની આ સેવા છે અને એ રીતે આ સંસ્થાએ સેવા કરી છે। નાના મોટા બધા સંતો, હરિભક્તો, યુવકો જે ખડે પગે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની એ આદેશ છે અને આદેશ એમના જીવનમાં ખૂબ દ્રઢ થયેલો છે, એટલે હવે આ સમયે દોડીને આવી જાય છે અને આ પ્રમાણે જે કર્યું છે એ કેવળ ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય છે એટલા માટેનું કાર્ય છે। આવા દુઃખના અંદર એ ભગવાન આપણને સર્વ પ્રકારે સહાય કરે છે એ આપણને અનુભવ થયો કે આવા સંકટે કોઈ નહીં ત્યારે ભગવાન આપણી ખબર રાખે છે। આવા પ્રસંગોએ આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે કોઈ નથી, તે ગ્રેક ક્યાં આવે છે, ભગવાન મારા તમારા દરેકમાં પ્રેરણા કરે અને એ પ્રેરણા કરીને આ સંતો તમારી પાસે આવી ગયા, આવી બધી બીજી સંસ્થાઓ પણ આવી ગઈ, અનેક માણસો તમારી પાસે આવ્યા પોતાની વસ્તુઓ લઈને તમને આપવા માટે। તો કામ કહેવાનું શું છે કે આ ભગવાન છે, આપણને લાગે ભગવાન ક્યાં છે, પણ ભગવાન આવા સમયે આપણે કંઈ એને પૂછ્યું નથી, કાગળ પત્ર લખ્યા નથી, ટેલિફોન કર્યા નથી અને સીધા આપણી પાસે જ્યારે દોડી આવે છે ત્યારે એ જાણવું એ ભગવાન, એ ભગવાનનું કાર્ય છે, ભગવાનની અંદરની વસ્તુ છે। એટલે એ રીતની આપણી શ્રદ્ધા વધવી જોઈએ કે ભગવાન ક્યાં છે, એને ક્યાં જુએ છે, આપણે એવા બધું માનીએ છીએ પણ ભગવાન છે ને જુએ છે, આપણે સમય વખતે જોયું, આવો સમય હતો ત્યારે આપણે ખબર પડી, ત્યારે આવી જે આપણી પ્રસંગો હોય એ કાર્ય ભગવાનને વિશે આપણે શ્રદ્ધા છે અને વિશેષ થાય એ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના છે। પણ તમે બધા સુખી થાઓ અને એટલી ઈચ્છાથી જ, સારી ભાવનાથી, સારી ઈચ્છાથી તમારું જીવન સુખી બને, તમારો સંસાર સુખી બને, તમારું કુટુંબ સુખી બને અને તમારો ધંધો રોજગાર મળે, દેશની અંદર પણ સારી ભાવના થાય, દેશ સેવા થાય અને સમાજ સેવા થાય અને સાથે ભગવાનની સેવા પણ આપણે કરવાની છે, તો એ પ્રમાણનું બળ ભગવાન સર્વને આપે। સ્વામી શ્રી કા હૃદય અત્યંત સંવેદનશીલ થા, જબ તક સ્થાયી આવાસ તૈયાર નહીં હો જાતે તબ તક અસ્થાયી રૂપ સે તૈયાર કિયે ગયે આવાસ, સ્કૂલ આદિ ઇકાઈયોં કો દેખને કે લિયે સ્વામી શ્રી નિકલ પડે। સ્વામી બાપા જબ ભુજ પધારે तब उन्हें सभी से मिलने का उत्साह था, टिन सिटी देखने का उत्साह था, बापा को तब बुखार था, इसलिए हमने स्वामी से कहा बापा हम हर जगह जाएं, उसके बदले जहां हम रहते हैं वहां निवासी आ जाएंगे। फिर भी बापा ने आग्रह किया मुझे जाना ही है। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर 1 फीट रखा है और यहां जो गैप है वो हमने 2 फीट रखा है ताकि जो हवा अंदर आएगी वो गर्म हवा होगी लेकिन वो ठंडी हो जाएगी। तो जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आए तो उन्होंने कहा कि आपका साइंस बिल्कुल सटीक है, आपने सही काम किया। वे जानते थे कि जब भूकंप में घर का सारा सामान नष्ट हो जाता है तब घर के साथ साथ घर का सामान भी बांटना जरूरी हो जाता है। उन्होंने पहले चरण में जीवन आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर इन टेंट सिटी में लोगों के आने और रहने का रास्ता आसान किया। इस भूकंप की त्रासदी से लोग बेघर हो गए, लोग अस्थाई तंबू लगाकर सड़क पर, फुटपाथ पर रह रहे थे, लोग कब तक ऐसे ही रहेंगे। तो 3 सिटी में लोगों के पास झाड़ू, तिजोरियां, राशन, गैस जैसी तमाम सुविधाएं थी, इसीलिए वहां लोग अपने परिवार के साथ रहने जाते। आपको वहां एक माचिस की तिली तक ले जाने की जरूरत नहीं थी, किट में इतना कुछ दिया और पूरा इंतजाम किया और इससे एक बड़ी समस्या हल हो गई। इससे ज्यादा एक अच्छी सोच और भला क्या हो सकती है जो स्वामी जी ने किया कि लोग वहां जा सकें। वहां जो छोटे बच्चे थे, बहुतों के माँ बाप नहीं बचे थे,
कोई नहीं बचा था और जिनके बच्चे थे वो भी दुर्घटनाग्रस्त थे, तो उन छोटे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह का स्वामी जी ने प्रबंध किया था। सच में कहें तो ये दीर्घ दृष्टि प्रमुख स्वामी जी महाराज में हमने देखी। Swaminarayan Sanstha was one of the few which provided toilets to the people in the temporary shelter. हमें ये पैर की बीमारी हुई थी, ये पैर टूट गया था और घर मकान आदि सब सब गिर गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। किसी के पास कुछ नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं, पीने का पानी तक नहीं। अरे मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी, इतना हुआ था उस समय। ऐसा लग रहा था कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, अब मैं कभी चल पाऊंगा या नहीं, मुझे विश्वास नहीं था मैं चल सकूंगा। देव स्वामी ने यहाँ तीन सिटी में सभी व्यवस्थाएं की, सभी की सभी, हर जगह भोजन। हमारे पास कुछ नहीं था, एक या दो बर्तन भी नहीं थे जिसमें हम खाना बना सके। सभी प्रकार से हमारी मदद की, टोटली हमारे लिए एक घर बना दिया। प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वयं तीन सिटी में आए थे। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब तुम्हें जीवन में कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं आएगी और आप निश्चित रूप से चल सकेंगे। उन्होंने कहा चलेंगे नहीं दौड़ेंगे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया। पापा ने परिश्रम की पराकाष्ठा सरजी, उसका साक्षी बनने का मुझे सद्भाग्य प्राप्त हुआ। पापा को देखते ही पूरे दिन की बैटरी चार्ज हो जाती थी। बच्चे समाज का भविष्य होते हैं। स्वामी श्री का मन समाज के भविष्य को संवारने के लिए दौड़ने लगा। उन्होंने टिन टेंट सिटी में स्थापित स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए उनका दौरा किया। ऐसी परिस्थिति में BAPS स्वामीनारायण संस्था और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने चिंता की और उनके जो सेवाभावी संत थे उनको स्वामी जी ने अंजार भेजा और उन्होंने तुरंत शिक्षा व्यवस्था को कार्यरत करने का प्रयास किया और अस्थाई स्कूल स्थापित किए। अस्थाई विद्यालयों का निर्माण किया गया ताकि बच्चों पर भूकंप का प्रभाव साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से न पड़े और बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और फिर से सक्रिय हो सकें, और इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। So I was posted there as a special relief commissioner overall in charge of the city of Bhuj. That was an occasion where I had, you know, had provided an opportunity to work very closely and intensely with the BAPS organization. During this crisis, this kind of crisis, my experience in government, you know, in 35 years is that not many institutions, you know, NGOs, you know, so come forward. Even if they come forward, they provide, you know, so very, very lip service, very limited rudimentary services. Whereas when it came to, you know, so when it comes to, you know, so BAPS or at that point of time, BAPS had a very detailed plan. In fact, the Pramukh Maharaj used to work on a minute details, used to work out, you know, the level of activities, the extent of activities, and what are the content of the program which they were, you know, implementing in the city. Swami Shri Bhuj ke tatkalin collector Shri Anil Bhai Mukim ke karyalay unke nimantran ka swikar karte hue pahunche. And I requested Pramukh Swami Maharaj to come to inaugurate it, and he readily accepted it. And he came there, spent so much of time, so much of warmth he had. He visited every corner of that house, and we all felt so blessed at that time.
आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट। कलेक्टर कार्यालय को पावन कर स्वामी श्री भुज स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे। ये मंदिर तो उनके इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण की रचना थी। उन्होंने यहां के संतों से भावुक स्वर में कहा, यदि आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक कह सकते हैं। ये उद्गार उनके होठों से नहीं बल्कि उनके हृदय से निकले थे। ત્યાં તો કરવાનું છે, ત્યાં તો મંદિર તો રહેવાનું, અહીંયા થશે તો ત્યાં મંદિર તો ખરું, એમને મંદિર તો ખરું। एक के बाद एक उठाए गए कदम समाज के प्रति उनकी चिंता का पर्याप्त प्रमाण थे। वास्तव में स्वामी श्री भुज के लोगों के प्रति करुणा से द्रवित हो गए थे। पराकाष्ठा तो ये थी कि आज भी उनकी शारीरिक स्थिति स्वस्थ नहीं थी और फिर भी उन्होंने इतना विचरण किया था। इसके अलावा स्वामी श्री ने पूरे शहर का दौरा किया, तबाही का जायजा लेने और आगामी सेवाओं का आयोजन करने के लिए, पीड़ितों की मदद के लिए उनके हृदय और हाथ दोनों पहुंच जाते थे। इस दौरान वो प्रबंधकों को जरूरी सुझाव भी देते थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक लंबे समय की योजना बनाई ताकि ये सभी लोग फिर से खड़े हो सके और काम पर वापस आ जाए, अपनी रोजी रोटी कमाए और भूकंप की पीड़ा को भूल जाए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सोचा कि लोगों को नया काम सिखाएं, उसकी बजाय ये लोग जो पारंपरिक काम करते हैं, अगर कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई चमार का काम कर रहा है, तो हम उसे जरूरत के हिसाब से औजार भी। और आजीविका का विचार करके दुकानें खोलना, दुकानों के अंदर सामान रखना, दुकानों को लेकर के इन सभी परिस्थितियों के बारे में सोचना और घर बनाना, समाज को स्थिर करना और साथ देना, ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था, हजारों हजारों की संख्या में करना था। कई महीनों के लिए स्थायी आवास उपलब्ध होने तक अस्थायी आवास का प्रावधान करना, लोगों के समूह को आश्वस्त करना, उन सभी को सामाजिक जीवन में वापस लाना, जो जटिलताएं पैदा हुई थी उन्हें खत्म करना और समाज को स्थिर करना, वो कोई साधारण काम तो बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक एक समस्या पर ध्यानपूर्वक विचार करके और ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर वहां जो उत्थान किया, दैट इज रियली यूनिक, इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री। स्वामी श्री की अमृत वर्षा ने समाज के हर वर्ग को सराबोर कर दिया, जिसका अनुभव भी इस अवसर पर हुआ।
उन्होंने प्रबंधकों को एक अभूतपूर्व सुझाव दिया। इस सुझाव ने उनकी सभी के लिए अपनी भावनाओं का अनुभव कराया। मीना बहन भावसर नाम के हमारे एक बहुत बड़े हरिभक्त हैं, उनको, नीता बहन शाह को और वांकानेर के एक बहन थे जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको, ऐसे 3-4 बहनों से उन्होंने कहा, आप उनके साथ जाओ, उनके साथ रहो और महिलाओं को क्या जरूरत है ये आप तय करो। जनक भाई दवे ने पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री से बात की और किरण भाई पिठुआ हमारे महिला कोऑर्डिनेटर के द्वारा स्वामी श्री ने इस प्रोजेक्ट में बहनों की एक मीटिंग करके निर्णय लेने के लिए कहा था और उस मीटिंग में मीना बहन भावसार और मुझे भुज के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिला और विशेष रूप से 4 तहसील में भचाऊ, अंजार, रापर और भुज। जब इन 4 तहसील में समस्या सबसे बड़ी थी तो इस संस्था द्वारा वहां बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। स्वामी श्री की करुणा भुज तक ही सीमित नहीं थी बल्कि भुज शहर की सीमाओं से परे सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई थी। उनकी दया देश की सीमाओं और आसपास के क्षेत्रों के गांवों तक भी पहुंची। इसी प्रकार उनकी करुणा ने भौगोलिक और जातिगत भेदों को पार किया और कई लोगों को प्रेरित किया। और उस समय यहाँ की जो परिस्थिति थी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उस समय किसी के पास कोई व्यवसाय नहीं था। तब हमें ऐसा हुआ कि फिर हम कब खड़े होंगे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं बर्तन है, बाकी सब चले गए। तो संस्थाएं कई आई, प्रमुख स्वामी की संस्था भी आई। भिरंडारा में उस संस्था ने हमारे साथ हस्ताक्षर किए। यहाँ हम सभी के लिए वाटावास में भी 77 बंगले बनाए, हमारे यहाँ हरिजन वास में भी 85-86 बंगले बनाए गए। और कुछ लोगों के बोंगा गिर गए थे, उनको बोंगा बना के दिया कोलीवास में। प्रमुख स्वामी महाराज का ऐसा विचार था कि हमने बोंगा बना दिया है पर वो लोग खड़े कैसे हो सकते, उनको रोज खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो यदि हम उन लोगों को ऐसा साधन दे कि वे रोजी रोटी कमा सके और खड़े हो सके। द बापास मैसेज वाज वेरी क्लियर, एनीथिंग यू डू डू, बट एट द एंड ऑफ द डे द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल शुड गेट इंक्रीज्ड। देयरफॉर द बाप्स इन मेनी विलेजेस नियर बाय एंड ऑल दैट, नॉट गुज, मेनी विलेजेस ऑल्सो they provided activities, so thousands of families were helped for increasing their livelihood। एक महत्वपूर्ण घटक आर्थिक पुनर्वास का था, मतलब economic rehabilitation। It is basically support for women। जहाँ कहीं उनका व्यावसायिक रोजगार समाप्त हो गया था, हमें उन्हें उनके लिए उपयुक्त व्यावसायिक रोजगार देना चाहिए जो उनके लिए उपयुक्त हो, उनके कौशल के अनुसार, है ना, जो उनके जीवन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसलिए सच कहे तो स्वामीनारायण संस्था ने बहुत कुछ दिया, किसी को गधे की गाड़ी दी, किसी को साइकिल दी, किसी को पंक्चर बनाने की दुकान दी, जो कैबिन का मालिक था उसको कैबिन बनाकर दी ताकि वो व्यापार के लिए आगे आए, किसी को 2-5 हजार नगद में दिए जिससे अपने व्यवसाय में 2,000 या 5,000 का माल सामान ले सके, फिर आटे की चक्की दी या मशीनें दी, बहुत कुछ दिया। जब भूकंप आया तो उसके बाद हम स्वामीनारायण मंदिर में आए जहाँ स्वामी जी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे लिए खाना पीना राशन सब घर पहुँचा दिया। 2 महीने में 3 बार ये सब डिलीवर किया गया है और हमारे पशुपालन में भी मदद की, हम लोगों को सांत्वना दी और हमारा साथ दिया है। सबसे बड़ा काम जो मुझे अच्छी तरह याद है वो था पशुपालन, वहाँ के अधिकांश लोग पशुपालन से जुड़े, तो उनके लिए भैंस खरीदने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अब भैंस खरीदना हम सबके लिए नई बात थी और इसका परिवहन भी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन स्वामी श्री की कृपा से ही ये परियोजना पूर्ण हुई। और जब भैंसों को लेकर दिया जाता है तो उन सभी गांवों में बहुत उत्साह होता था। उस समय भैंस को घर ले जाने वाली बहनों का नजारा मुझे सच में आज भी याद आता है। लेकिन हाँ, महिलाओं को दूध की बहुत जरूरत पड़ती थी तो उन्होंने भैंस दे दी, 87 मकान बांध के दिए और 87 घर घर में भैंस भी दी हम सभी को। एक भैंस दी थी उसमें से अब तक तो ऐसी लीला लहर हो गई कि समझो ने एक भैंस के पीछे सबके घर में 8-8, 10-10 भैंस हो गई हैं। और इस तरह से उनके बच्चों और उनके परिवार को
पोषण का एक बहुत बड़ा साधन मिल गया था और उसमें से जो दूध इकट्ठा होता था उसे बेचने के लिए महिला सदस्य शहर में आती थी और शहर में कहाँ बेचे, तो उसके लिए एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया। उनके लिए उन्होंने स्टील के कैन खरीदे और उसमें सारा दूध इकट्ठा करके भूज के एक दो होटलों से टाई अप किया था। वहाँ पर संस्था ने जिसको ऑटो दिया था उसके द्वारा ये दूध लाया जाता था और पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता था और उसके जो पैसे मिलते थे वो सभी उन महिलाओं को मिलते थे जिन्होंने उसमें दूध दिया। तो कुछ महिलाएं उसमें से घी और पेड़े भी बनाती थी और ऑटो चलाने वाला बाकी समय खुद ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता था। तो इस तरह भैंसों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। सिर्फ गायों और भैंसों को लेने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उनका 3 साल के लिए बीमा किया गया और संस्था द्वारा एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई ताकि इनके पशु को कोई शारीरिक समस्या हो तो उसका भी ख्याल रखे। और इसके फलस्वरूप आज 20-20 साल के बाद भी जहाँ एक भैंस हुआ करती थी वहाँ आज हमारे गांव में प्रति घर 5-5, 10-10 भैंसे हैं। इसके लिए हम प्रमुख स्वामी जी महाराज की संस्था के आभारी हैं। हम लोग जो सुथारी काम कर रहे थे उनको सुथारी काम का औजार दिया, लोहार को भी उनके औजार दिए, हमें जो लगता था वो लोहा और लकड़ा दिया। मैं ऑटो चला रहा था तो स्वामी ने मुझे ऑटो दिया। मैंने कहा अगर आप मुझे मंडप दोगे तो मैं उस मंडप का धंधा करूंगा, इस इलाके में वो चलेगा। मेरे घर पर वो सामान भी भिजवा दिया, मैं वो देखकर बहुत खुश हुआ और मैं संस्था का आभारी हूँ। वहाँ के गृह उद्योग में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चप्पल बनाने का उद्योग, कच्ची चप्पल जो विशेष कढ़ाई से बने होते हैं वो बनाए जाते थे, तो हमने उससे संबंधित मशीन दी और संबंधित किट भी दी। तो इस वजह से दिन में 1 या 2 जोड़े बनाने वाले 15 से 20 जोड़े बना लेते थे और उन्हें आजीविका का एक बहुत अच्छा साधन मिल गया था और इसके लिए उन्हें एक पुरस्कार भी मिला। हम मुसलमानों से उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा कि हम कहीं जा सकते हैं या नहीं, बच्चों को कहाँ पढ़ाए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने स्कूल बनवा दिया, पाठशाला बनवा दी हमारे लिए। तो अब हमारी शाला चल रही है अभी तक प्रमुख स्वामी जी की कृपा से। यहाँ पर चक्की नहीं थी, यहाँ से लोग आटा लेके जाते थे तो उनसे विनती की और हमारी चक्की अभी भी चालू ही है। और जब बरसों पहले हमारे आसपास के सभी गांव में अकाल था तो हमें चारा भी दिया। फिर जो अपना हस्तकला यानी कि हैंडलूम होता है ना और चर्म उद्योग जहां पर लेदर का कार्य होता है तो उसकी मशीन थोड़ी महंगी आती है, तो 2-3 लोगों को ऐसी जरूरत थी कि अगर स्वामी जी हमें ये मशीन देते हैं तो हम काम कर सकते हैं और ये हमारा पारंपरिक काम है, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उसे ले सकते हैं। तो यहाँ लेदर और हस्तकला का जो भी काम हो रहा है वो स्वामी जी की दी हुई मशीनों से ही हो रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने हस्तशिल्प के कारीगर भेजे थे जो हमें सिखाते थे और वो 1 महीने तक हमारे घर पर रहे थे। हर गांव से एक आदमी जो 3 गांव से थे, बड़ा मिश्रियाड़ा, होड़कू, जाम कुनरिया, रेंडियारा, इन गाँव में 3 लड़के दिए जिसने हमें हस्तकला सिखाई। उनकी सामग्री सहित जो मटेरियल था वो भी हमें दिया, अगर वो खराब हुआ तो भी कुछ नुकसान नहीं, फिर भी हमें सिखाया। जो भी 4-5 लड़के आए थे वो अभी भी बुजुर्ग का काम कर रहे हैं। 15-20-25 परिवारों को ऐसी मदद मिलनी चाहिए, वैसे तो वो खेती या पशुपालन करते हैं, तो पूरा गांव 2-3 साल में सक्रिय हो जाएगा। ऐसा एक आशीर्वाद रूप कार्य हुआ और प्रमुख स्वामी जी महाराज की ये करुणा मैंने अंत तक देखी। हमें तो अभी आप लखपति कह सकते हैं क्योंकि लखपति बन गए हैं, अपनी हस्तकला की दुकान खोल के बैठे हैं हम। उन्होंने हमारी मदद की है और इन्हीं की वजह से हम आज अपने पैरों में खड़े हैं और आगे आए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं कह सकते कि हम आगे कैसे आए हैं, लेकिन मैं स्वयं कहता हूँ कि मेरे पास जो ऑटो है उसमें मैंने 3 लड़कों को पढ़ाया, 3 लड़कों के लिए मैंने मोबाइल की नई दुकान खोल दी। इस समय मेरे पास घर में 2 स्विफ्ट कार है, 2 बुलेट, 1 बाइक और 1 बोलेरो कार है और 1 ऑटो भी है, उसी ऑटो में से सब कुछ कमाया हूँ। प्रमुख स्वामी जी ने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सका। आज मेरे पास 200 मंडप हैं, भगवान की कृपा से दाल रोटी है, गाड़ियां हैं, आज जेसीबी है, ट्रैक्टर है, द
दया है, आनंद है, संतोष से हम रोटी खाते हैं। प्रमुख स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार 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 ही आभार। तो आज कच्छ आगे बढ़ा और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ। उसमें जो स्वैच्छिक संस्था द्वारा कार्य हुआ उसमें भी प्रमुख स्वामी जी की BAPS संस्था द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया वो लंबे समय का सोच कर शानदार तरीके से किया और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को तैनात किया। I salute, you know, the contributions of the BAPS in this. And Pramukh Swamiji used to monitor it on a day-to-day basis. So Pramukh Swamiji was a visionary. He was a dedicated person. And he had a compassion for every sections of the society. Every sections of society, you know, said there no caste, no religion, no color. He had never looked at it. He was beyond, you know, say all these, you know, say the narrow aspects of what we come across today. अब पीड़ितों के लिए स्थायी आवास के निर्माण की गतिविधियों को अंजाम देना था। फिर स्वामी पापा के साथ हम सभी ने रूबरू मीटिंग की और फिर हमने तय किया कि ऐसे कुछ गांव हैं जिन्हें हमें गोद लेना चाहिए और उस गांव को नए सिरे से बनाना चाहिए। और फिर हमने तय किया कि लगभग 15 गांव हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, तो हमें उन सभी गांवों का पुनः निर्माण करना चाहिए। एंड आई मस्ट टेल वन थिंग, even if you get money, implementing the projects is not easy. It's very difficult. And in difficult areas, you cannot do through contractors and all that. You need good institutions who are committed. Like Bapa ka jo organization Swaminarayan BAPS ka hai, dusra aise kai sare organizations hain. They were involved in a big way. सभी गांवों में सर्वे शुरू कर दिया गया है। पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी, वेदज्ञ स्वामी सभी ने विभिन्न गांवों का दौरा किया और वहां के लोगों से मुलाकात की। उन लोगों की इच्छाएं भी जान ली गई और उसके बाद गांवों को शॉर्टलिस्ट किया गया। और सरकार की भी नीति थी कि अगर नई बस्ती बनानी है तो उन लोगों को सरेंडर कर पुरानी जगह देनी होगी। तो वह दुविधा बहुत चली, लेकिन उसके बीच में ही तय हो गया स्वामी बापा से मिलने के लिए बी.वी. दोषी साहब, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हमारे इंडिया के आर्किटेक्ट है, वो आए। इसलिए उन्होंने यतीन भाई को जिम्मेदारी सौंपी कि उनकी टीम ये सब कार्य करने के लिए वहां पर पहुंचेगी। स्वामी श्री की करुणा गंगा का प्रवाह अब आगे ही बढ़ रहा था। उनकी प्रेरणा से संस्था ने 11 गांवों और 4 कॉलोनियों के निर्माण की जिम्मेदारी ली। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिन गांवों को चुना गया था वे बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में थे। देवीसर करके एक गांव था, मुझे याद है कि मुख्य सड़क से 12 किलोमीटर अंदर और वहाँ कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। यहाँ बस्ती कहाँ होगी, ये स्वामी जी हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। और जब 12 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हम बस्ती में पहुँचे तब हमें लगा कि ये संत हर जगह पहुँच गए हैं। हमारे धर्म के नेटवर्क के कारण हम ऐसे लोगों तक पहुँच गए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचा है। जिन गाँवों को पुनर्वास के लिए चुना गया है वे जरूरी नहीं कि गरीब या बहुत सुविधाजनक हों। दरअसल जिन गांवों को इसकी जरूरत थी उन्हें सामने से ढूंढना और वहां तक पहुंचना सच में असंभव सा लगता था, पर स्वामी जी वहां पहुंचे। मन में हमेशा सकारात्मक भावना थी कि यही सही में अद्भुत है। हम कल्पना भी न कर सके कि अब रेगिस्तान आ गया है, यहां बस्ती कैसे होगी। ऐसी सभी बस्तियों को सच में अपनाया गया था। हम तो गांव का नक्शा लेकर स्वामी बापा के पास गए कि स्वामी बापा ने इन गांव को सेलेक्ट किया, इतने सारे घर बनाने हैं, इस प्रकार का आयोजन किया है। स्वामी जी ने कहा कि आपने आयोजन तो किया है लेकिन मैं बैरक जैसे घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। जैसे वो आमतौर पे एक लाइन में घर बना देते हैं ना, अगर ऐसे घर बनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे ये भूकंप में मिला है। हर एक का घर व्यक्तिगत घर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, उसे संतुष्टि हो कि ऐसा घर होना चाहिए। आप इस तरह से आयोजन करें। दूसरा, पूरा प्लानिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच से किया था जिसमें सबसे पहले हम वहां जाते थे, वहां कम्युनिटी के साथ मीटिंग करते थे। इसमें संतों की उपस्थिति सेतु बनाने का काम करती थी।
हम लोगों से संवाद करते थे। स्वामी जी ने उनकी जीवन शैली के बारे में सोचा, उनकी संस्कृति के बारे में सोचा और फिर उन्होंने सबको घर घर भेजकर सर्वे करवाया कि उनकी संस्कृति क्या है, उन्हें क्या पसंद है, घर कैसा है, उनके घर के दरवाजे कैसे हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है। वहाँ कच्छ में घर के अंदर टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाते हैं, उसे अलग बनाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा हमें उन्हें अलग करना चाहिए वरना कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। स्वामी जी ने कहा रसोई घर साइड में होना चाहिए क्योंकि उसमें लकड़ी जलानी पड़ती है, उससे धुआं निकलता है। रसोई घर भी अलग होगा क्योंकि वो होगा तो घर का हिस्सा पर अलग होगा। तो स्वामी जी ने उनकी जीवन शैली के बारे में भी सोचा, उनकी संस्कृति के बारे में भी सोचा। उस समय एक एक मकान का निरीक्षण किया, साथ ही हर जाति के लोगों से अलग से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, हमें अपना घर दिखाओ। घरों के लिए कम से कम 50 लोगों की राय जरूर ली गई। ये सभी विश्लेषण और व्यक्तिगत सुझाव के आधार पर उस संस्था ने घरों का निर्माण किया। और अगर आप नई जगह पर जाते हैं तो हमारे गाँव की संस्कृति कैसी है, वहाँ पर एक तालाब भी होना चाहिए तो एक तालाब भी बनाओ। स्वामी जी ने हमें ऐसे आदर्श गांव बनाने का आदेश दिया था, पर स्वामी जी ने जो सोचा वो हम सभी संतों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। स्वामी जी ने कहा कि आप तालाब तो बनाओगे पर कब और कैसे बनाओगे। मैंने कहा स्वामी जी हम ट्रैक्टर लगाएंगे और खोदेंगे। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, आप जब घर का निर्माण कार्य शुरू करें और उसका कार्य जब प्लिंथ तक पहुंच जाए तब तालाब की खुदाई शुरू करें, तो तालाब की मिट्टी का प्लिंथ में उपयोग हो जाए। ये सारी चर्चाएं बापा के साथ हुई और साथ साथ स्वामी बापा ने कहा कि भले ही इन लोगों को भूकंप का सामना करना पड़ा हो लेकिन वे हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहने वाले हैं, आज नहीं तो भविष्य में। अगर वे लोग भी सुखी होंगे और आगे बढ़ना चाहें और कुछ और बनना चाहें तो वे कैसे करेंगे। घर का एक्सटेंशन भी करने की आवश्यकता भविष्य में होगी तो उसका भी विचार करें। तो ये भी स्वामी बापा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था। और साथ ही साथ स्वामी बापा ने कहा कि ये किसान हैं, गांव में हैं, तो उनके पास गाय भैंस बैल आदि सब कुछ होगा तो जगह भी उपयुक्त तो होनी चाहिए, तो उनकी व्यवस्थाओं के बारे में सोचना होगा। और जब हम पूरी प्लानिंग के साथ वापस गए तो स्वामी जी ने कहा कि हमारी टेंडेंसी कैसी है, आमतौर पर गाँव में लोग गली मोहल्ले में रहने के आदि हैं, इसलिए आप गली मोहल्ला बनवाए। तो हमने फिर अलग अलग तरह के मोहल्ले बनवाए। स्वामी जी इतनी बारीकी से सोच रहे थे कि हमें लगा स्वामी जी क्या सोच रहे हैं। फिर उस प्रकार से किया गया कि कौन किसके साथ रहना चाहता है। स्वामी जी ने कहा कि घर बनाने से पहले ये तय कर लें कि किसको घर कहाँ देना है और उसके पश्चात घर बनाना शुरू करें। और हर गांव के नक्शे इस तरह बनाए गए कि अगर एक प्लॉट है तो भाई आप किसके साथ रहोगे और एक समुदाय को किसी दूसरे समुदाय के साथ रहना है या नहीं रहना है। कुछ पश्चिम में रहना चाहते हैं, कुछ पूर्व में रहना चाहते हैं, तो हर किसी का अपना पड़ोस होता है, अपनी पसंद का। एक समूह 7 का होता है, दूसरा शायद 12 या दूसरा 5 का। मतलब सबसे पहले तो हमने ये सब प्लानिंग किया और इस तरह पड़ोस का कंसेप्ट लिया, फिर वहां की सुविधाएं, यही इन गांवों की सच में विशेषताएं रही। और सिर्फ आपातकालीन घरों का निर्माण नहीं, हर गांव का पीढ़ीगत संबंध विकसित करना, समाज का निर्माण करना और मूल्यों के आधार पर समाज का निर्माण करना और शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण किया गया था। उन लोगों के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम पर भी विचार किया गया, दूसरी सिस्टम ड्रेनेज की, सड़कों पर भी विचार किया गया, पंचायत भवन पर भी विचार किया गया, बच्चों के बारे में भी सोचा गया और साथ ही प्रार्थना के लिए मंदिर के बारे में भी सोचा गया था। क्योंकि अगर ये सब हो भी जाए तो मूलतः संस्कार और शिक्षा का समन्वय होगा तो ही गांव का विकास हो सकता है। प्रत्येक क्लस्टर के बीच एक आंगन होता था, तो अगर वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, बच्चे वहां पर खेल सकते हैं और वाहनों के आवागमन का एक रास्ता और एक रास्ता पैदल चलने का, बगीचे भी थे। इस प्रकार से तकनीकी आयोजन था पर प्लानिंग भी साइट का, एमिनिटीज का, घर का और इसके अलावा अलाइनमेंट का भी था। नींव को भी इस तरह से बनाया गया कि उस पर भविष्य में विकास किया जा सकता है। रीइंफोर्समेंट भी, क्योंकि यह एपिसेंटर के बहुत करीब था तो उस समय जोन 5 या उसके मानक अभी तक नहीं बने थे। हालांकि हिमांशु भाई जो इंग्लैंड में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे और बहुत जानकार थे,
इसलिए उन्होंने विश्लेषण किया कि यदि भविष्य में इस तरह के झटके आ सकते हैं तो यह हमारे हाथ में नहीं है, किंतु यह सब देखते हुए प्लानिंग किया और सरकार ने बाद में जो स्टैंडर्ड दिया कि इतना स्टील तो होना ही चाहिए, तो उससे भी मजबूत घरों को हमने बनाया था। और साथ ही स्वामी श्री के मन में ये बात भी स्पष्ट थी कि ये कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो जब भी स्वामी श्री से इस तरह की चर्चा या मुलाकात होती तो उसमें स्वामी बापा एक बात अवश्य पूछते थे कि ये पुनर्वसन का कार्य कब खत्म होने वाला है, लोग उसमें रहने कब आएंगे। प्रमुख स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे और हमने अक्षरधाम में उनकी मुलाकात आयोजित की थी, और 4 अप्रैल को तो 3 गाँव में ऑलरेडी काम शुरू हो गया था। पर इस पद्धति से मकान तो नहीं बने थे तो हमने फोटोग्राफ्स रख दिए, तो प्रमुख स्वामी जी से मिलने वो जाए उससे पहले कॉरिडोर में स्वामी जी ने कहा कि ये फोटोग्राफ्स और एग्जीबिशन साथ में रखते हैं कि हम इस तरह से काम करते हैं, और वो अपने काफिले के साथ आए और माइक पटेल भी उनके साथ थे, माइक ही कहते हैं, और वो वहाँ से गुजरे, शेखन किया और मैंने उन्हें समझाया कि इन 3 गांव का कार्य हमने शुरू किया है और 10 गांव का कार्य शुरू करना है। इस पद्धति से वो खड़े रहे और फिर से आवाज दी, माइकी दिस इज द वे वी वॉन्ट टू गो अबाउट इट, आई लाइक दिस अप्रोच। लंबे समय तक चलने वाले इस निर्माण कार्य को समय पर अच्छे तरीके से और कुशल तरीके से पूरा करना ये अनिवार्य था, क्योंकि संघर्षों से भरा ये रास्ता सचमुच कठिन था। क्योंकि सब दूर दराज के क्षेत्र थे, गांव भी दूर थे, सड़क की व्यवस्था भी नहीं थी और साथ ही किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, पानी भी नहीं मिलता था। इसलिए यदि कोई कार्य करना हो तो बिना पानी के निर्माण कार्य बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ कई लोगों को बात समझ आई होती है तो किसी को इसकी समझ नहीं भी होती है, तो बहुत सारे मानसिक प्रश्न थे। और कार्य को शुरू करने के लिए वहाँ पहले सामान पहुँचाना एक बड़ा काम था। वहाँ कोई एक ही जगह पर एक ही इमारत नहीं बन रही थी, परंतु पूरा गांव बन रहा था, तो चारों तरफ सब कुछ पहुँचाना होता था, और क्योंकि हर तरफ से काम चल रहे थे इसलिए ठेकेदारों की भी समस्या थी, आदमी नहीं मिलते थे, इसलिए हमें उन कठिनाइयों के बीच भी काम आगे बढ़ाना था। अगर लोग कई जगह काम कर रहे हैं तो कई बीमार भी पड़ जाते थे, अगर गांव नहीं है, दुकान नहीं है, तो वे लोग क्या कर सकते हैं। इतने सारे हालात विपरीत थे, लेकिन जो लोग सेवा में शामिल हुए, चाहे वे युवा हों या हरिभक्त, उन्हें भी स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला, नहीं तो ये सब संभव नहीं होता। फिर हर जगह वृक्षारोपण करना था, लेकिन उन सभी कठिन परिस्थितियों में भी स्वामी बापा का आदेश था कि हम इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें और जल्द से जल्द लोग उसमें रहने के लिए आए, क्योंकि सरकारी दफ्तर में जाना, उसके बाद फिर गांधीनगर से अनुमति लेना और फिर भुज जाकर कलेक्टर से अनुमति लेना, और तो और सभी साइट पर काम करना और अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए सरकारी कार्यों के लिए पूज्य ब्रह्म प्रकाश स्वामी ने बहुत पुरुषार्थ किया था। हमारे इंजीनियर ने मुझसे कहा, स्वामी जी हम बिना लाठी लिए नहीं निकल सकते। मैंने कहा, अब लाठी क्यों लेनी है? उसने कहा, जब अंधेरा हो जाता है तो सांप निकलते हैं। मैंने पूछा, कितने सांप हैं? मुझसे कहता है, रोज सांप निकलते हैं, हमारे बिस्तर के नीचे से सांप निकलते हैं। यदि अगले दिन शाम को तंबू खड़ा किया हो और सुबह ऊपर करें तो नीचे से बिच्छू निकल आते हैं। लेकिन ऑल अदर, वो कहते हैं ना कि अच्छे काम में 100 रुकावटें आती हैं, वैसे ही अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बाधाएं आई थी, बहुत सारे प्रश्न आते थे। वहाँ के अधिकारी कभी मिले या ना मिले, लेकिन कभी ऐसा होता था कि ग्रामीण इलाके में जाते थे तो वहाँ 5-10-15 महिलाओं को इकट्ठा करने में समय लग जाता था उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि महिलाओं की रोजी रोटी के लिए महिलाओं की क्या जरूरतें हैं ये जानना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम कच्छी भाषा नहीं जानते थे, इसलिए कभी कभी कच्छी बोलने वाले स्थानीय कार्यकर्ता हमारे साथ आते थे, कभी कभी मतलब गुजराती जानने वाले भाइयों अपनी शैली में बात करते थे उनसे, तो इस तरह से हमारा उनसे वार्तालाप होता था।
और स्थानीय कार्यालय के अंदर भी अक्सर बिजली आती जाती रहती थी, कभी नहीं रहती थी, इसलिए काम करना बहुत मुश्किल था। इतनी सारी जटिलताएं और बाधाएं आती थी तो हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे, आप जो करना चाहते हैं वो करें, हमें नहीं करना है। दरअसल हम धैर्य खो देते हैं, हम ऊब जाते हैं। स्वामी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, हमें अपने सिर पर बर्फ रखकर काम करना है। जब तक ये काम पूरा ना हो जाए तब तक उस कार्य के पीछे लगे रहना, ये हमें वास्तव में प्रमुख स्वामी महाराज की एक यूनिक क्वालिटी दिखती है कि वो दिल से काम करते हैं। एक ही लक्ष्य था तो मुश्किलों में भी हमेशा एक अनुभव होता था कि स्वामी बाबा हमारे साथ हैं, और स्वामी बाबा नियमित रूप से संपर्क भी करते थे। अगर रात के 10:30 बजे हैं तो उनका फोन अवश्य आता था, प्रोग्रेस के बारे में पूछते थे, कोई कठिनाई हो तो उससे निकलने का रास्ता भी दिखाते थे। टारगेट के साथ काम दिया गया था, 4,000 से ज्यादा घर बनाने थे, 500 स्कूल रूम बनाए जाने थे, कॉलोनियां बनानी थी, तो इस तरह से 85 साइट पर काम चल रहा था। जब मैंने इस तरह के काम करते हुए साधुओं को देखा वहां पे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था पहली बार कि कंस्ट्रक्शन वर्क में साधु इन्वॉल्व थे, देवर इन्वॉल्व इन अरेंजिंग थिंग्स। वो मैंने खुद देखा वहाँ पे काम करते हुए, मतलब कैजुअली बात हुई थी वहाँ पे किसी संत से, तो उन्होंने ये बताया कि ये सब प्रमुख स्वामी की इंस्पिरेशन से हम कर पाते हैं। रोज सुबह उठकर अक्षय मुनि स्वामी जी और मैं दो दिशाओं में दौड़ा करते थे, हर दिन 300-300 किलोमीटर की यात्रा तय करते थे। किसी भी साइट पर सीमेंट की आवश्यकता, रेत की आवश्यकता, ग्रिट की आवश्यकता, तो इन सभी चीजों का वितरण किया करते थे। साथ ही साथ पहले से ये सोचकर चलते थे कि टाइल्स की फिटिंग होनी है तो किस तरह की टाइल्स फिट की जाए, बस लगातार यही चलता रहता था। तो कह सकते हैं कि एक साल तक मैंने ही कच्छ में 1.5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया अकेले, मेरी कार में। अक्षय मुनि स्वामी ने जो किया वो तो अलग है, लेकिन स्वामी जी का लगातार मार्गदर्शन था, लगातार। और स्वामी जी उसमें नई नई चीजें जोड़ते रहते थे कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। स्वामी जी ने कहा कि हर घर में 10-10 पेड़ लगाओ और फलदार पेड़ लगाओ जो काम आए। स्वामी जी ने कहा पेड़ लगाओ और उन्हें एक साल तक संरक्षित करो। उसके लिए बापा ने, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने विशेष ध्यान रखा, और केकाणी साहब नाम के एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी थे रिटायर्ड, और उनके साथ दूसरे संपर्क में जितने कृषि के अधिकारी थे उनको इस गाँव में ले आए और गाँव में शिविर का आयोजन किया। किसानों को ड्रिप इरिगेशन, बागवानी, किचन गार्डन और पशुपालन की इन सब के विशेष ज्ञान से इतने सारे लोगों को व्यवस्थित रूप से समझाया कि आज वे लोग बागवानी और ड्रिप सिंचाई पर बहुत ही मजबूत और समृद्ध हो गए हैं। छोटे बड़े सेमिनार आयोजित किए, फिर हमने गांव में मीटिंग की और हमने किसानों को भी समझाया, तो सारे किसान भी इससे सहमत थे। और उस क्षेत्र में आम, नींबू, चीकू, नारियल आदि प्रकार के वृक्ष लगाए और वे सभी किसान आधुनिक प्रकार से कृषि कार्य करने लगे। स्वामी जी ने भूकंप की कार्रवाई के साथ साथ वहां के सामाजिक जीवन और कृषि को और बेहतर बनाने की एक परियोजना बनाई थी। इसके अलावा BAPS संस्था ने जो नए नगर और नए घर बनाए थे उसमें जो खुली जगह होती थी या घर के पीछे जगह होती थी उस जगह को किचन गार्डन कहा जाता है। वहां आंगन में लता वाली सब्जियां जैसे कि भिंडी, मिर्च, टमाटर, ग्वार, चौली जैसी सब्जियों के बीज दिए जाते थे जिससे महिलाएं अपने खाली समय में ये सब्जियां उगा सकें। हम हर महीने जाते थे तो कई महिलाओं को हमने विभिन्न स्तरों पर प्रगति करते हुए देखा है, और वो बहुत ही लगन और बहुत ही मेहनत से ये काम करती थी। ये प्रोजेक्ट, किचन गार्डन प्रोजेक्ट, बहुत ही सफल रहा। हमें घर तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बहुत सोचा कि इस गांव में लोगों को सुखी कैसे करें, तो उसके लिए स्वामी जी ने एक व्यवस्था की गौशाला की गांव वालों के लिए, और आज हम सब गांव वाले स्वामी जी के आशीर्वाद से, छाछ, दूध, दही से बहुत सुखी है। स्वामी श्री ने अब सेवा का दायरा सीमावर्ती सैनिकों तक बढ़ा दिया। उनके हृदय से उत्पन्न हुई करुणा के इन आंदोलनों ने कई सैनिकों को सराबोर किया।
आम जनता नहीं जा सकती है, ऐसा वर्षों से प्रतिबंध है। ऐसे में उन लोगों को भी उनकी बुनियादी जरूरतों में उन्हें घर मिले, अपने कार्यालय में काम कर सकें, रहने के लिए मकान, उनकी जरूरतों के अनुसार जिसका वहां इस्तेमाल कर सके, ऐसे मकानों का निर्माण किया। वो भी हमारे देश के जवान हैं जो इस देश की सीमा की सेवा में हैं, तो हम उनके भी काम आए। किसी और ने नोटिस किया या नहीं, हमने उन्हें सूचित कर दिया और प्रमुख स्वामी महाराज के निर्देश के अनुसार इस सीमा पर जो जवान थे उनके लिए उनकी जरूरत के अनुसार हमने छोटे बड़े घर भी बनाए। They were willing to help us because we were deployed in the operational areas those days, and they helped us in many ways in giving us not only guidance but helping us to construct bungas. We are really grateful to BAPS for what they did during that period. सेवा का गोवर्धन उठाने वाले स्वामी श्री की दूरदर्शिता से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों के उत्थान के लिए नवनिर्मित गांवों में स्कूलों की व्यवस्था बहुत जरूरी है। उन्होंने 49 स्कूलों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने इस काम में जो दिलचस्पी दिखाई और जो सुझाव दिए वे वाकई अद्भुत और अद्वितीय थे। अनेक शालाएं ध्वस्त हो गई थीं, उनका नामो निशान मिट गया था उस वक्त जब कच्छ में भूकंप आया था, और उस वजह से कच्छ के लोगों को और वहां के अधिकारियों को बहुत चिंता थी कि शिक्षण स्तर के लिए वो क्या करें और कैसे करें। जब वो प्रेजेंटेशन दिया गया तो स्वामी बापा ने कहा कि नहीं, हमें स्कूलों का काम भी हाथ में लेना है, और उसी के अनुसार स्कूलों के लिए सर्वे किया गया और उन लोगों की जरूरतें भी थी, क्योंकि पुराना स्कूल जैसा भी था वो गिर चुका था, लेकिन अब फिर नया करना है, तो स्वामी बापा की आज्ञा थी कि सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। उनमें से अंजार में एक स्कूल दिया गया था। हमने अंजार के लिए दिए गए स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए एक पूरी टीम को वहां पर लेकर गए थे, और हम सब कुछ देख रहे थे कहां कैसे कितना करना है, कितने छात्र हैं। तो तब उस इलाके की कुछ महिलाएं दौड़ती हुई हमारे पास आई और बोली कि आप क्या करने वाले हैं। मैंने कहा पहले जो था हम स्कूल बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ स्कूल मत बनाना। मैंने कहा बहन पहले यहाँ स्कूल ही तो थी, जहाँ पर स्कूल थी वहीं पर हम बनाएंगे, है ना? हम कोई 10 मंजिला स्कूल नहीं बनाने वाले, जैसा वो स्कूल था और छात्र के अनुसार ही हम बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं यहाँ मत बनाओ। पर मैंने कहा इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए सुनिए, हम इस वक्त अंजार शहर के मध्य विस्तार में है। हम सभी जिनका टॉयलेट बाथरूम टूट गया है वो सब आज कल रात को इसी जगह पर हम सब लोग शौच के लिए आते हैं। अगर आप यहां स्कूल बनाना शुरू कर देंगे तो हम कहां जाएंगे? तो मैं तो सोच में पड़ गया, सही बात है, ये लोग आखिर जाएंगे कहां? इसलिए मैं तुरंत अंजार म्यूनिसिपल ऑफिस में गया। अंजार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उस वक्त के जो अधिकारी थे वो बहुत अच्छे थे। मुझे कहा जनक भाई, मैंने BAPS का नाम सुना है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सरकार ने आपको एक स्कूल बनाने के लिए कहा है, हम आपको बिल्कुल अच्छी और फ्लैट जमीन देंगे। मैंने कहा सर कहाँ है? उन्होंने कहा 3-4 किलोमीटर दूर है। मैं 3-4 किलोमीटर दूर देखने गया, बहुत ही अच्छी जगह थी, मैं तो संतुष्ट हो गया। रात को बापा का फोन आया, उन्होंने पूछा आज क्या किया? मैंने कहा स्वामी ऐसा हुआ। हाँ तो तुमने क्या किया? मैंने कहा स्वामी अंजार म्यूनिसिपल ऑफिस वाले हमें बहुत बड़ी अच्छी जमीन दे रहे हैं, समतल भूमि, वो भी तार के साथ फेंसिंग करके दे रहे हैं। तो बापा ने कहा वहां जाएगा कौन? कई लड़के वहां पर हैं, इतनी दूर जाएंगे वो? मुझे पूछा कितनी दूर है? मैंने कहा 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर जाएंगे? मैंने कहा अंजार इतना बड़ा सिटी नहीं है कि 3-4 किलोमीटर ना जा सके, वो तो जा सकते हैं। तो सबसे पूछना तुम, कल सबसे पूछ के तुम मुझे बताओ क्या कहा उन्होंने। अगले दिन मैं गया, सभी महिलाओं से पूछा, एक भी महिला ने मुझे हाँ नहीं कहा, हम अपने लड़के को इतनी दूर नहीं भेजेंगे। रात को बापा का फोन आया, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ है, वो तो आने से ही मना कर रहे हैं, लड़के को नहीं भेजेंगे। पापा ने कहा ये तो मुझे पता ही था, वो नहीं भेजेंगे, हमारे खर्चे पर उन्हें टॉयलेट बना कर दो। उन लोगों के लिए हमने सारे टॉयलेट तैयार करके दिए, और हमने उसी जगह जहां स्कूल गिर गई थी वही स्कूल हमने बनाई, और उस स्कूल का नाम रखा राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम स्कूल। और हम ठीक 15 साल बाद उस स्कूल में गए, वहां सारे शिक्षक सभी इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, 95% से अधिक मुसलमान हैं, छात्र और शिक्षक। यानी
उनके मन में कोई अभिमान नहीं था भैया। प्रमुख स्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि छोटा कौन और बड़ा कौन, कि उन्होंने न हिंदू न मुसलमान न सिख ईसाई कोई धर्म जात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखा। दुर्घटना हुई, किसी के मकान घर गए, तो स्वामी जी ने निखार तरीके उनकी सभी की सेवा की है। पर जब वो स्कूल बनी और जिस दिन वो स्कूल खुली, मुझे आज भी वो दिन याद आता है। जब स्कूल खोली गई तब बेटियां और बेटे अपनी स्कूल बैग लेकर स्कूल में पढ़ने आए थे। मैंने उनके चेहरों पर जो मुस्कान देखी, बच्चों के चेहरे पर, उनके माता पिता के चेहरों पर, और जो संतुष्टि की भावना मैंने देखी, और मैंने प्रमुख स्वामी जी के प्रति उनकी कृतज्ञता देखी, तो मुझे लगा कि स्वामी श्री जैसे युग पुरुष ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। I had the great fortune to go to Kutch in one of the most remote villages in Kaura. I met kind of a senior member of a village. He is Muslim, and he described to me a deep level of relationality, of attachment to a guru, Pramukh Swami Maharaj, whether or not one is a satsangi. And it is that kind of connection that people felt to Pramukh Swami Maharaj, that is really outstanding. हमारे समाज से कुछ 5-10 लोग स्वामी बापा को मिलने के लिए गए। फिर उन्होंने हमसे पूछा क्या मदद चाहिए। हमने कहा स्कूल चलाते हैं हम, हमारे लोग भेड़ बकरियां लेकर बाहर चले जाते हैं, तो ये लड़के कहाँ पढ़ेंगे। तो हमने कहा कृपया करके हमारे लिए एक स्कूल बना दे। तो स्वामी जी ने कहा कि हम बना देंगे। तो उन्होंने स्वामी जी को जो जगह दिखाई थी वहाँ पर स्वामी जी ने उनके लिए एक स्कूल बनवा दिया। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आनंदीबेन पटेल ने कच्छ का दौरा किया और उन्होंने भुज में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। उस समय सभी जगहों पर छात्रों की संख्या में कमी आई थी, सिर्फ अंजार में ही छात्र क्यों बढ़े थे, ऐसा प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं उस समय शासक अधिकारी था और उस मीटिंग में उपस्थित था। तब शिक्षा मंत्री ने मुझसे ये प्रश्न पूछा। तब हमने कहा कि हमने बापा के आशीर्वाद से स्कूल बनाए और शिक्षा व्यवस्था को कच्छ में पुनर्जीवित किया है। यहाँ कोई ड्रॉप आउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नियम के अनुसार ही सभी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, छात्र सक्रिय रहें उसके लिए प्रयास किया गया है, छात्रों के लिए उपकरण लगाए गए हैं और ऐसी मजबूत बिल्डिंग बनाई गई है कि लोग आज भी याद करते हैं कि अच्छा काम हुआ है। स्वामी साथेज द फर्स्ट प्लेस दैट आई रिमेम्बर दैट ही टुक अस वाज द विलेज ऑफ खावड़ा। ईच एंड एवरी हाउस वाज डिस्ट्रॉयड। અમે ગામમાં ચાલીને ગયેલા અને ત્યારે મનમાં નક્કી કર્યું કે આ ગામ માટે કંઈક ચોક્કસ કરવું જોઈએ। એન્ડ ધેન સબસિક્વન્ટલી આખો દિવસ બ્રહ્મવિહારી સ્વામી સાથે અલગ અલગ ગામમાં અમને લઈ ગયા ત્યાં, બીકોઝ દેટ વોઝ નોટ ઇનફ ફંડ્સ ટુ બિલ્ડ ખાવડા। તો એક આપણે પીપલ ઓફ યુએઈ અને ઇનાડુ ગ્રુપ જે છે હૈદરાબાદનું, એ બંનેના જે ફંડ હતા ભેગા કરીને એક विलेज ऑफ खावड़ा वॉज बिल्ट बाई BAPS। ये मकान जो है ये बहुत मजबूती से बनाया गया है कि अगर जिस समय इस मकान में नवीनीकरण की बात आती है तो कोई राजमिस्त्री से तोड़ने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। वे कहते हैं कि पहले आप इसे तोड़ दें, फिर हम आपके मकान का नवीनीकरण करेंगे, क्योंकि नवीनीकरण तो कर सकते हैं लेकिन तोड़ने का ठेका नहीं लेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत है और इसकी डिजाइन ऐसी है कि यदि भूकंप भी आए तो मकान क्षैतिज रूप से गिरेगा तो भी वो गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, इसमें दरार नहीं आएगी, इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन है इसका। तो उस वक्त BAPS ने उखड़मोरा नाम का गांव दत्तक लिया था और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ वे स्कीम वन में थे। तो उस वक्त वहां उखड़मोरा गांव में तो वो पूरा बन तो गया था, सब घर पक्के बन गए थे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन आए थे मिस्टर टी चिनो, तो उनको मैं गाइड कर रहा था, एक घर के अंदर ले गए। द फर्स्ट थिंग ही डिड इनसाइड, ही मस्ट बी अ 70+ पर्सन एट दैट टाइम, मिस्टर टी चिनो, तो पहले ही वहां जाके उन्होंने ही कॉट होल्ड ऑफ द विंडो एंड बैंग्ड इट 3-4 टाइम्स।
ये हिंजिस में से निकलती है नहीं निकलती है, तो हिंजिस में से निकली नहीं तो फेस पे कुछ अच्छे एक्सप्रेशन आए। फिर वो दरवाजे को पकड़ के दो तीन बार दरवाजे को भी जोर से पटकाया कि ये हिंजिस में से निकलता है टूट जाता है कि नहीं, तो वो भी नहीं हुआ। फिर तो घर में घूमे, उनको फ्लोरिंग भी अच्छा लगा। ऑन द एज ऑफ दैट स्टेप्स ही थ्रस्टेड हिज शूज, द एज ऑफ द स्टेप्स वेर दे ब्रेक और नॉट, तो वो भी नहीं टूटी। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा और बोले कि वी वुड नेवर एक्सपेक्ट सच अ गुड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन अ रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, कि कभी हमने ये अपेक्षा नहीं रखी थी। और वहीं बोले कि वी मस्ट टेक अ डिसीजन दैट एडीबी ज्वाइंस। तो कहने की बात यह है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने पुनर्वसन में भी जो कार्य किया वो इतना प्रेम से किया। इन सेवाओं के दौरान भुजवासियों ने उनकी उदारता का अद्भुत उदाहरण देखा। स्वामी श्री ने लंदन से फोन किया कि अभी वहां क्या चल रहा है और भुज की रिपोर्ट पूछी कहां क्या कैसे क्या है। उस समय मैंने स्वामी जी से कहा कि बापा अभी दो स्कूल जो अंजार में बनकर तैयार हुए थे उनका उद्घाटन हो गया है और आखिरी जो एक सरकारी स्कूल है उसका शिलान्यास भी हुआ है और उस स्कूल के पूरा होने के बाद हमारे सभी स्कूल के कार्य पूरे हो जाएंगे। स्वामी जी ने स्कूल के बारे में सब कुछ पूछा कि कितना काम हुआ है, तो उसका रिपोर्ट दिया कि स्टील आ गया है, ग्रीट आ गया है, सीमेंट आ गया है, नगर पालिका में पास भी हो गया है। फिर धीरे से स्वामी श्री ने कहा कि अगर हम स्कूल को किसी और संस्था को बनाने देंगे तो क्या कोई समस्या होगी। तो फिर मैंने तर्क दिया कि वापस सब कुछ ले लिया है, परमिशन मिल गई है, लेकिन स्वामी श्री की इच्छा अन्य संस्था के लिए थी। अन्य संस्था के संत स्वामी श्री से मिले थे और कहा था कि हमें ये विद्यालय बनाना है। तो मैंने स्वामी श्री से कहा कि सभी स्थानीय लोगों की इच्छा है कि इसे हमारी संस्था बनाए। उस समय स्वामी श्री ने कहा कि चाहे हम बांधे या वे बांधे, सब कुछ एक ही है, तो उनको देने में क्या हर्ज है। तो तुरंत मैंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। ये बात हुई और उसके एक घंटे बाद ही उस संस्था के संत आए और मुझसे मिले। तो उस समय हमने जो भी खर्चा किया था उसकी एक सूची हमने उन्हें दी और कहा कि हमने इतना खर्च किया है पासिंग और सामग्री के लिए। तो उन्होंने वो सूची देखी और तुरंत उसका एक चेक भेजा और उन्होंने उस स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर एक हफ्ते बाद दूसरी बार स्वामी श्री का फोन आया और पूछा इस स्कूल का क्या हुआ, क्या हमने ये सारा काम सौंप दिया उन्हें। तो मैंने फौरन कहा कि हाँ स्वामी जी, आपके आदेश के अनुसार सब कुछ सौंप दिया है और जो भी खर्च किया गया है उसका हम लोगों ने हिसाब दे दिया और उन्होंने हमें चेक भी दे दिया है। स्वामी श्री जी ने तुरंत कहा कि वो संस्था निर्माण करे या हम निर्माण करें उसमें कोई अंतर नहीं। तो मैंने तर्क दिया कि बापा कोई बात नहीं, इसीलिए हमने सब कुछ उन्हें दे दिया है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हमने उनका जो भुगतान लिया है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो भुगतान वापस कर दें, भले ही हमने खर्च किया हो लेकिन हम ही बना रहे हैं, आप ऐसा समझें। और इस स्कूल का निर्माण वो भले ही करें लेकिन ये बात याद रखें, हमारा नाम नहीं आएगा, उस बात की चिंता हमें नहीं करनी है, लेकिन स्कूल अच्छा बने हमारे लिए ये ज़रूरी है। और स्वामी श्री ने वो भुगतान वापस करवा दिया और कहा कि ये पैसा हमें नहीं लेना है। और इस प्रकार स्वामी जी सब कुछ संभाल लेते थे। The rehabilitation, wherever they have selected, one of it 100% completed without getting any publicity or any propaganda. स्वामी श्री ने इन राहत सेवाओं को शुद्ध भावना के साथ, सच्ची भावना के साथ किया, इसलिए ये सेवा इतने उच्च स्तर की थी कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले गणमान्य व्यक्ति भी स्वामी श्री से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने हृदय से स्वामी श्री का आभार प्रकट किया और बधाई दी। सत्संग के साथ सेवा को जोड़ करके अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संप्रदाय ने नई पीढ़ी को कर्तव्य अभिमुख करने का एक जो बड़ा प्रयास किया है, ये एक सेवा यज्ञ है और जिसमें कई नवयुवान अपनी ऊर्जा और समय की आहुति दे रहे हैं और इस सेवा यज्ञ से जरूर नवसर्जन होने वाला है, उस बात का हमें भी विश्वास है। And every leader used to come and say, oh,
BAPS Swaminarayan Sanstha is doing, it must be the best. That should be our sample. The quality aspect of it. हमारे गांव में सभी अधिकारी को लेकर आते थे और दिखाते थे। वो गांव एक रोल मॉडल की तरह बन गए। और जब गांव पूरे हो गए, तो नारायण नगर हमारा गांव है, उसे राष्ट्रपति के हाथों से आदर्श गांव का पुरस्कार भी मिला। के भूकंप के बाद आपका हाथ प्रमुख स्वामी महाराज ने थामा और प्रमुख स्वामी जी जिसका हाथ थामते हैं वो तो भव सागर पार हो जाते हैं। उन्होंने आपका हाथ थामा है प्रमुख स्वामी जी ने, गुजरात के सार्वजनिक जीवन को एक नया जीवन दिया है, एक नई शक्ति दी है, दुखी लोगों के हमदर्द बनने के लिए, पीड़ितों के दर्द को दूर करने के लिए, करुणा के सागर बनकर जीना, वो एक अनोखा भाव हम सब अनुभव कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर जनक भाई दवे को विशेष रूप से कहा था कि घर के संस्कार और समृद्धि की नींव बहनें होती हैं, और जिन घरों में बहनों द्वारा संस्कार दिए जाते हैं वे संस्कार 7 पीढ़ियों तक चले आते हैं। तो जब भी आप घर अर्पण करो तो घर का नाम उस घर की महिला के नाम पर ही हो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उस घर की महिला को भी लगेगा कि उसका भी कुछ है और उसे एहसास होगा कि हमारा ये घर है। उस घर की डिजाइन प्रमुख स्वामी महाराज ने विशेष रूप से कहा था कि डिजाइन ऐसी हो कि उन बहनों के लिए अनुकूल हो, क्योंकि घर में ज्यादातर समय बहनें ही बिताती हैं, उनके आँखों में धुआं ना जाए, और तो इस तरह से उन्होंने चूल्हा देने की व्यवस्था की, और गाय और भैंस तो उन्हें देना ही है ऐसा कहा था, क्योंकि उनकी कमाई के पैसे उनके पास रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो स्वामी जी ने ये कही थी कि लड़का हो या लड़की दोनों को समान रूप से शिक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि स्कूल बांधना ये इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था। तो लड़का और लड़की दोनों भी स्कूल में पढ़ सकें, इस तरह से स्कूल बांधने का उन्होंने आदेश दिया था। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस प्रोजेक्ट द्वारा खास स्त्रियों को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्वामी जी के सुझाव का परिणाम है। सरकार के साथ समन्वय जारी रखते हुए हम कह सकते हैं कि जापान में क्योटो में जहां भूकंप आया था वहां 7 साल तक पुनर्वसन का कार्य नहीं हुआ, लेकिन यहां वो काम लगभग 2 साल में पूरी तरह से पूरा हो गया था, जिसमें हमारे बोचासण वासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के साधु संतों और हरि भक्तों ने उल्लेखनीय कार्य किया, और गुजरात निर्माण के कार्य में अहम योगदान देने वाली महान हस्तियों में हम सदियों तक प्रमुख स्वामी महाराज जी का नाम भूल नहीं पाएंगे। प्रमुख स्वामी वॉज अ पर्सन सो नेचुरल, सो सिंपल, सो डाउन टू अर्थ, सो इजी टू कम्युनिकेट विथ, एंड ही कुड अंडरस्टैंड वॉट one wants to express and immediately respond to one's requirement. And his understanding of issues, his depth of his understanding. You know, a person need not have lot so much of information is not important, but that wisdom and depth is important. He was a person who had that wisdom and who had that basic understanding, and he was always connected with the ground realities. Pujya Pramukh Swamiji, I had a very special opportunity to be with him number of times. And believe me, even today, the mala he has given to me every day morning, either 4 o'clock or 5 o'clock, I do one mala in his name. Because he built that institute which served the humanity in unconditional and unparalleled way in a most difficult situation which we can't imagine, because I have witnessed all that. So I bow my head, and me and my family, or even the whole Gujarat or humanity, to BAPS and whoever has rendered the services. और प्रमुख स्वामी जी महाराज जो सेवा करते थे तो उनमें एक भावना थी कि सबके हृदय में भगवान है, चाहे कोई भी हो, पर उसके अंदर उन्होंने भगवान को देखा। इसी भावना से उन्होंने निरंतर लगभग 95 वर्षों तक इसी प्रकार
लोगों की सेवा की। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी के समग्र जीवन में नम्रता भरी हुई थी। उन्होंने इस लोक में अनेक विशिष्ट कार्य किए हैं। इतने महान कार्य करने के बावजूद भी प्रमुख स्वामी महाराज जी ऐसा कहते थे कि हमने कुछ किया ही नहीं है। रात और दिन इसी राहत कार्य की प्रवृत्तियां चल रही थी और इन सब प्रवृत्तियों के बावजूद भी कभी भी स्वामी श्री भगवान को नहीं भूले और ना ही भक्ति भूले, और जो आहनिक कर्म है उसे वे तनिक भी नहीं भूले। दिनांक 7 अक्टूबर 2002 स्वामी श्री फिर भुज पहुंचे। आज वे कई लोगों के लिए विश्वकर्मा बनकर आए थे। संस्था द्वारा गोद लिए गए 11 गांवों और 4 बस्तियों का पुनर्निर्माण अब पूरा हो गया था, जिसका लोकार्पण स्वामी श्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आनी अंदर घना बधा नो सहकार जे प्राप्त थयो छे माटे एमनो पण बहु आभार छे। कईया दाताओ जे बैठा छे, बीजा दाताओ हाजर रही शक्या नथी, पण एमनी शुभ भावनाओ छे तो एमने पण आजे आपणे प्रार्थना करीए कि एमना द्वारा आवानी पोताना आवा दुखनी अंदर साई रूप हमेशने माटे बनता रहे एवी शक्ति एमने एमां भगवान आपे अने कार्य सारूँ थई जाय। એ મામા મોટા કાર્ય કરવાની અંદર પણ દરેકનો સહકાર હોય તો આપણે કાર્ય કરવામાં સરળતા મળે છે, તો એ પ્રમાણે એ દરેકના સહકારથી આ સુંદર સારું કાર્ય બન્યું છે એ બધાનો પણ આભાર છે। જે કંઈ આપણે પ્રાપ્ત થયું છે એ ભગવાનની ઈચ્છાથી થયું છે, ભગવાને જ આ કાર્ય કર્યું છે અને એ દરેકમાં પ્રેરણા કરનાર પરમાત્મા છે એને લઈને આ કાર્ય થયું છે। તો આ અહીંયા આગળ આ લોકાર્પણ જે વિધિ થયો છે એમાં સર્વને સુખ શાંતિ થાય। સ્વામી શ્રીને ઇસ લોકાર્પણ સમારોહ દ્વારા ઉત્સવ કા માહોલ સર્જન કર દિયા। ઇસ ખુશી કે અવસર પર લોગો કા દિલ ખુશી સે ઝૂમ ઉઠા। સભી ને મનોમન સ્વામી શ્રી કો પ્રણામ કિયા। We'll be right back.
स्वामी श्री एक सर्वांगीण व्यक्ति थे। उन्होंने इस दौरान कई अन्य कार्य भी किए थे। રાહત કાર્ય માટે ખૂબ જ ભીડો વેઠ્યો હતો। આટલી બધી કરુણા કેવળ સ્વામીશ્રી જ કરી શકે, આપણા માનામાં જ ન આવે। કોઈ સ્વાર્થ નહીં, જરાય સ્વાર્થ નહીં, કંઈ મનાવા પૂજાવાનું ભાવ નહીં, અને કેવળ નિસ્વાર્થપણે અને બીજાનું હિત થાય એટલું જ સાચો અંતરના ભાવથી આ બધી કર્યું છે। આજે પણ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજનું સમાજ સેવા અને સમાજ ઉત્કર્ષનું કાર્ય ચાલુ જ છે। પહેલા તો ફેલાવ્યા હાથ બે છેવટ તો ચરણો પણ ત્યાં દોડી આવ્યા। પહેલા તો ફેલાવ્યા હાથ બે છેવટ તો ચરણો પણ ત્યાં દોડી આવ્યા। સૌ માહી હરિને નિહાળી જાણી સૌને નવલા મંદિરમાં પધરાવ્યા। મંદિરમાં પધરાવ્યા, નવલા મંદિરમાં પધરાવ્યા। કરી છૂટ્યા બધું હરી રીજવાય તો, કરી છૂટ્યા બધું હરી રીજવાય, ના સપને અને આપણે જ કરીએ છીએ એવો વિચાર કોઈ દિવસ જીવનમાં છે જ નહીં અને આવ્યો પણ નથી। કારણ કે પહેલેથી જ શબ્દો એવા કે ગુરુ શાસ્ત્રી મહારાજ કેમ કરું, જોગી મહારાજ કેમ કરું, એમનામાં વિશ્વાસ રાખીને કહે છે કરું આપણે, એટલે આપણે કરતા માણીએ તો બહુ જ આવીએ છીએ। માં સંત પ્રમુખ સ્વામીએ લીધા હથેળીમાં, સંત પ્રમુખ સ્વામીએ ઉપકારો કયા મુખે ગા, ઉપકારો કયા મુખે ગા, ઉપકારો કયા મુખે ગા, ઉપકારો કયા મુખે ગા।